इसके मॉम को मार दिया गया और कई सालों तक सबकी नजरों से छुपाकर इसे बंद करके रखा गया। बार बार इसने उस जगह से भागना चाहा पर हर बार ये पकड़ी जाती। मैं बात कर रही हूँ इस सीरीज की हीरोइन। खतरनाक स्टोरी है ना? इसके हीरो की भी स्टोरी कुछ कम खतरनाक नहीं है। आइए डिटेल में जानते हैं। सीरीज का नाम है द के टू, जो की 2016 की सीरीज है। इसकी IMDb रेटिंग 7.8 है और ये एक्शन रोमांस मेलोड्रामा वाली सीरीज, साथ ही कहीं कहीं आपको कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगा। इसके टोटल एपिसोड 16 है और ये सभी एक घंटे के हिसाब से है। इसमें मेन लीड जी चांगवुक ने किम जे हा बनकर और इम युन हा ने गो एना बनकर किया है। स्टोरी लाइन, गो एना एक लड़की होती है जिसकी मॉम बहुत फेमस सेलिब्रिटी थी। जैसा कि मैंने बताया, उसकी मॉम को मार दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एना के डैड से प्यार करती है। असल में एना के जो डैड होते हैं वो किसी और के पति थे और एना उसकी नाजायज औलाद थी। एना को लगता था कि उसके डैड की जो असली वाइफ है उसी ने उसकी मॉम को मारा है। जब एना की मॉम मर गई, उसके बाद उसे कोरिया के बाहर भेज दिया जाता है और सबकी नजरों से छुपा कर रखा जाता है। एना जब बड़ी होती है तब वहाँ से बार बार भागने की कोशिश करती है और हर बार पकड़ी जाती है। और उसी दौरान वो एक बार किम जेहा से भी मिलती है, जो खुद ही पुलिस से भाग रहा होता है क्योंकि उस पर झूठा मर्डर का आरोप लगा था। जेहा पहले ब्लैकस्टोन नाम के एजेंसी में काम करता था, जो इराक में भाड़े के सैनिक होते थे, और उससे भी पहले वो अपने देश कोरिया के मिलिट्री में काम करता था। पर कुछ कारण के वजह से उसे वहाँ से निकाल दिया गया था और इराक में उस पर वही के नागरिकों को मारने का आरोप लगाया गया था और उसके पीछे पार्क गुआंगसू का हाथ। एना के डैड एक पॉलिटिशियन थे जो उसकी वाइफ ने उन्हें बनाया था। उसका नाम चोयू जिन था। चोयू जिन एक बहुत चालाक औरत थी जो कि अपने पति को पावरफुल बनाकर जेबी ग्रुप हथियाना चाहती थी और JSS एजेंसी चलाती थी, जो कि एक प्रोटेक्शन देने वाली कंपनी। एना विदेश में सबके नजर में आने लगी थी, इसलिए उसे कोरिया वापस ले आया जाता है। जेहा जो सबको चकमा देख भागते हुए और गुआंगसू को मारने के सपने देखते हुए जी रहा था, वो एक दिन कुछ ऐसा देख लेता है जो उसे नहीं देखना चाहिए। उसके वजह से चोयू जिन उसके पीछे आदमी लगा देती है और ऑर्डर देती है कि उसे जो छुपाएगा उसे भी मार दिया जाए। जेहा चोयू जिन के पास जाता है उसे वार्निंग देने, और उसी समय दूसरे पार्टी के लोग चोयू जिन को मारने के लिए आ जाते हैं। जेहा ही उसे बचाता है, उसे ऑफर दिया जाता है JSS ज्वाइन करने के लिए, साथ ही चोयू जिन उसकी मदद करेगी पार्क गुआंगसू को मारने। JSS में जेहा को K2 नाम दिया जाता है। जेहा को एना की रक्षा करने का काम दिया जाता है। एना की हालत देखकर और उसके साथ रहकर जेहा को उससे प्यार हो जाता है और एना को भी जेहा से प्यार हो जाता है। अब जेहा के पास दो चीजें होती है करने के लिए, पार्क गुआंगसू को मारना और एना को चोयू जिन से प्रोटेक्ट करना। और अब आगे क्या होगा? क्या चोयू जिन सच एना की मॉम की कातिल थी? आखिर एना की मॉम को किसने मारा? जेहा अपने मिशन में कामयाब हो पाएगा? ये तो आपको सीरीज में ही पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना और कमेंट भी कर देना।